सकते हो पूरी तरीके से नदी के ऊपर। और भाई ले जा रहे हैं, वरना तो हो गया था आज यहाँ अपना। ये आप देखिए, और क्या ही यहाँ पे हालत हो रखी है। मतलब डेढ़ घंटे की बारिश, डेढ़ दो घंटे की बारिश और शहर नदी हो चुका है। थोड़ी दूर तक भी नहीं रुकी, थोड़ी देर तक भी नहीं रुकी। उन्हें लगा ही नहीं कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा हो सकता है। और पैचेस पडल्स इतने ज़्यादा थे, बारिश लगातार इतनी देर तक होती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब जाकर कहीं आपको रोड दिखने लगी है। तो और अब भी देखिए, अब साइड लाइन से तो पूरे पानी पानी रहता पूरा। एक किलोमीटर पहले ग्राउंड से आपको बाहर तक ऐसे ही चल कर आना पड़ा, और उसके बाद आपको कहीं फिर डेढ़ दो किलोमीटर बाद इस तरह की रोड दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको रोड दिख रही है। जाम तगड़े तरीके से लगा हुआ है, आसमान अब भी डार्क ही आपको नज़र आ रहा है। बट आज जो है वो ऑफ है, और अभी वापसी की तरफ है। मैंने सोचा थोड़ा आपको स्थिति दिखा देता हूँ यहाँ पर, शहर की क्या स्थिति है वो एक बार आपको बता दूँ, सो दैट अंदाज़ा लगता है आपको क्यों जो है टीम इंडिया डेढ़ से दो घंटे के अंदर ही निकल गई। उन्हें पता था कि अब यहाँ पर मैच पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। टीम को पहुँचने में भी जो है वो टाइम लगा है, जो यूजुअल टाइम होता है उससे ज़्यादा। आगे फिर आप देख सकते हैं भाई, एक पैच आया था जब रोड दिख रही थी। अगेन आपको जो है वो रोड दिखनी यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो ये स्थिति है वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिटीज इन असम। तो बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल होगा पूरे शहर का। ऐसे ही मैच से निकलना पड़ा होगा। बस अच्छी चीज़ ये है कि उनके आगे जो ट्रैफिक क्लियरिंग व्हीकल्स होते हैं, रोड ऑपरेटिंग पार्टीज होती हैं, या जो नेविगेशन टीम्स होती हैं, वो थोड़ा सा मदद कर रही होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। और बस अब स्टेडियम से लेकर यहाँ पर अगर आप अब आपको चुकी है, अब जाके बढ़ना शुरू हुआ है। और पूरी स्थिति और नहीं लग रहा है, हमारी स्थिति को रोकना ना लगे, क्योंकि पानी नेक्स्ट लेवल का है। तो इस पानी में आपको यहाँ पर यहीं पे रुकना पड़ रहा है। अब स्कूटी ने चलना बंद कर दिया है। क्या वो नहीं चल रही है? अरे यार, हाँ उतरना पड़ेगा भाई, हो गया अब तो काम। तो भाई यहाँ पे भी उतार रहे हैं अब। तो भाई बीच सड़क पे उतर गए हैं, और पानी आप देखिए घुटने तक आ रहा है। ओहो हो यार, ये तो हो गई है आफत। ये आप देखो भाई, बुरी हालत है। और स्थिति आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमेशा गोल्डन मोमेंट्स ही नहीं होते हैं क्रिकेट कवर करने के, इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। सो क्या बोला जाए भाई, मतलब
ये है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का, इंडिया के एक राज्य का, असम का। ओए तेरी, बताओ यार, गड्ढा भी नहीं पता चल रहा है। चलो, गाड़ियों से धुएं निकल रहे हैं बाकी गाड़ियों से। चल रही है, चल रहा है गाड़ी। गया गाड़ी, मेरे घर से जा चुकी है। हो रहा है, बैठूं? बैठ गए भाई फिर से। चलो, मुश्किल है और भयानक स्थिति होने वाली है। फिर से बैठ गए भाई गाड़ी में। लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब पाँव बुरी तरह से मुड़ गया है। ये आप देखो, चलना मुश्किल हो रहा है भाई, इतना पानी है। इसीलिए मेरे ख्याल से गाड़ी को भी इतना ज़्यादा, मतलब इंजन पे इतना लोड पड़ रहा है और फिर पानी जा रहेगा उसमें, तो दिक्कत होगी होगी सर। तो वो चीज़ है, सिंगल फिर भी बंदा निकाल लेगा क्योंकि इंजन पे उतना लोड नहीं आएगा, बट ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बारिश भी होने लगी है अब, मतलब कितने चैलेंजेस। पानी भरा हुआ है, पैदल चलना है, उसके बाद बारिश हो रही है, उसके बाद भयानक स्थिति भाई। फाइनली फिर से रोड दिखने लगी है, रोड दिख रही है तो अच्छा लग रहा है। और बारिश खतरनाक हो रही है भाई अब, ये आप देख सकते हो। अब अगर देखोगे तो आपको ये सड़क पर बारिश की बूंदें पड़ती हुई दिखेगी। तो इट्स नॉट ऑलवेज ईजी भाई। लोगों को लगता होगा अरे वाह यार, मैच देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, क्या मज़ेदार ज़िंदगी है। बट कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं और यहाँ पे ऐसे चैलेंजेस मैंने कभी फेस नहीं करे अभी तक। हालांकि बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी नहीं करी है अभी तक। बारिश देखो आप कितनी तेज़ हो रही है। होपफुली वीडियो बंद करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी लोकेशन पर पहुँचते हैं और फिर आपको अपडेट देंगे, कुछ और अपडेट देंगे। ये इस तरह की अपडेट मैं पहली बार दे रहा हूँ। सो टेक केयर गाइस, आप भी ध्यान रखो एंड आई विल अपडेट यू।